तो व्लॉग में थोड़ा सा मजे का है। और हमारा जो बेबी लाइन था ना, जो हमने आपको, मानो को साग पसंद आया है, उन दोनों नहीं, को कोरमा कढ़ाई में अच्छी लगी है, लेकिन साग भाई लो इतना गुस्से में है, तो बताओ मैं नहीं, अभी नीचे आएगा तो हंसने लग जाएगा। तो आज तो मैं फेस रिवील करके छोड़ू, अब छेड़ रहा है, अब छेड़ रहा है, चल चल अब छेड़ रहा है। छा गई है यूट्यूब की इतिहास में ऐसी शेफ पैदा नहीं होनी नाजरीन। हाँ इतना बड़ा तो डंपलिंग से क्या होगा, दो डंपलिंग क्या करेंगे, लाइटिंग है ना। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं चिकन कोरमा, और ये ऑलमोस्ट डन है, और हरा धनिया और हरी मिर्ची कट चुकी है, और इसके ऊपर डालती हूँ बस, अब ये रेडी है। अच्छा हाँ अच्छा। और हमारे घर कौन आया है, पहले भाग जाएगी अभी लड़की, ये देखे मेरे घर कौन आया, मेरे घर चिश्मिश आई है छोटी सी मुन्नी, है ना। अभी हम इंजॉय करेंगे, पहले हम खाना खा लें उसके बाद हम इंजॉय करेंगे, सही है। और ये मेरी कल वाली बिरयानी है जो कि थोड़ी सी बच गई है, और अब इसको भी फाइनल दम जा रहा है, ये भी ख़त्म हो जाएगी। अब अपना खाना रेडी करती हूँ, और यहाँ पर मैंने खाना लगा दिया था, रात हो गई थी तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था, और मेरी छोटी सिस्टर आई हुई थी बच्चों के साथ, वीकेंड था तो बच्चों ने कहा कि रात को आएंगे आपकी तरफ, मूवी वगैरह देखेंगे, तो मैंने सोचा फटाफट से खाना बना लेती हूँ। मैंने बनाया था कोरमा, सरसों का साग बनाया था, धनिया पुदीना की चटनी बनाई थी, साथ सैलड बनाया था, खाना बहुत मज़े का बना था, और मेरा साग तो हिट हो गया था। उसको मैंने ना देसी घी का तड़का लगाया था और ऊपर से मक्खन डाला था, वो इतना मज़े का सरसों का साग बना। आपको पता है सर्दियाँ आ गई हैं तो साग तो सबका मोस्ट फेवरेट होता है, तो यहाँ पर सब कह रहे थे खाना इंजॉय, खाना मज़े का बना था, सब लोग खाना खा रहे थे, बहुत शोर था, तो मैं इसीलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पर बच्चे दूसरी टेबल पे बैठ गए थे आके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था। मानो क्या मज़े का है, कोरमा या साग, दोनों मज़े का, लेकिन साग की और ही बात होती है, ज़्यादा मज़े का साग। और आप दोनों को क्या अच्छा लग रहा है, चिकन कोरमा, कोरमा मानो को, मानो को साग पसंद आया है, उन दोनों को कोरमा कढ़ाई में अच्छी लगी है, लेकिन साग कोरमा मज़े का बना है, मुझे तो सब अच्छा लगा। और पिंकी को क्या पसंद आया, साग। और खदीजा को, असल बात ये कि जो साग, असल बात ये जो साग लवर्स है ना, उनको साग ही वो कहेंगे। हाँ ये तो है, हमारे घर में साग सब चौक से खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारा खाना मजे का बना है। खतीजा को बिरयानी अच्छी लगी है बस, खतीजा ने बिरयानी खाई है जो मैंने कल बनाई थी। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं मज़ेदार चाय, सब खाना वाना सब ने खा लिया, अब सब चाय पियेंगे, और फिर उसके बाद देखो बच्चे क्या करते हैं। आज घर में मेहमान है तो जाहिर सी बात है ये तो हल्ला गुल्ला चलता रहेगा। मोटी बोलती नहीं है और बस। और अभी हमारे घर आए हैं गेस्ट, मेरी आई है छोटी सिस्टर आज हमारे घर पे, और मलाइका बना रही है उनके लिए डंपलिंग्स। यहाँ पर चिकन का कीमा रेडी है, और सब्जियाँ कट हो रही हैं, और मलाइका अभी डम्पलिंग्स बनाएंगे सबके लिए, ठीक है ना। फरमाइशी डम्पलिंग्स बन रहे हैं, सबको बड़े पसंद आए थे मलाइका के हाथ के डम्पलिंग्स, और अभी रेडी करेंगे। और कुछ बनाएंगे साथ, सॉस, बस वो तो लाजमी है ना, उसके अलावा बस। और अभी हम सब जा रहे हैं लाइन देखने, वंस अगेन बच्चे आए हुए हैं तो इनको लेके जाएंगे अभी बेबी लाइन दिखाने के लिए। पर्दे में रहने दो, आज तो मैं फेस रिवील करके छोड़ूंगी। इन बाजी का जो ये बाजी आ गया कि जा रही है ना बब्बर शेर देखने, तो इनका मैंने आज फेस रिवील करना है। मेरी छोटी बहन, इतने प्यारे बाल हैं पिंकी तेरे, इसको इतनी शर्म आती है ना। और इधर ये दोनों भी आ गई, पता नहीं नज़र आ रही है कि नहीं, अब नज़र आ रही हैं। क्या देखने जा रहे हैं अब जानब, लायन, लायन होता है, ये लायन होता है, लायन लायन, ये देखो ये सारे जा रहे हैं अभी दोबारा से हम उधर देखने। हाँ इनका घर कितना खूबसूरत बन गया ना, ये अभी बन रहा था कुछ दिन पहले, और आज तो माशाल्लाह इसकी लुक ही और निकल आई है। हाँ ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नसीब करे जिसका भी है, बहुत अच्छा है। चलो जी चलते हैं बेबी लाइन देखने के लिए। हेलो मैक्स, मैक्सी इसकी आँखें कैसे चमक रही, नो मैक्सी ने तड़ा निकाल दिया एक दफा। ना करो ना करो। वालेकुम सलाम, होए होए होए, सारे आ चुके हैं बेबी लाइन देखने के लिए। ओए हैं
हेलो सिम्बा, पहचाना नहीं आपने? पहचाना नहीं आपने? वाह भाई वाह, मंसूर को तो पहचान लिया उसने। आज इसकी सही है, तो सारे बच्चे आ जाए हुए हैं देखने के लिए इधर। हाँ सारे डरेंगे, ये तस्वीरें बना इन्होंने, इन सबको डर लगता है। इससे वीडियो बनाओ, इससे वीडियो बनाओ, कमाल लगेगी। मैं पिक्चर बनाती हूं, साथ हो जाओ, यहां बैठ जाओ, आओ मेरे साथ बैठ जाओ, बाबा के साथ हो जाओ, बाबा ने क्या करा है, साथ बैठ जा खतीजा, कुछ नहीं होता। खतीजा को डर लगा हुआ है, कुछ भी कहना इनको, कुछ भी कहना, ठीक है, फोटो बनवा ले, बच 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 बच, ओलो ओलो, फोटो बनवा ले। सिम्बा भाई दोस्ती है सिम्बा के साथ, आप फिट है सिम्बा, गप्पे लगा रहा है मेरे साथ। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी फोटो बनवा रहा सिम्बा। हसन को बिठाओ, हसन चल गले लगाए से। सिम्बा कह रहा है हसन को मैंने गले लगा के चुम्मी करनी है, लड़ाई छड़ाई करने का। हाँ, अब उधर की तो चुम्मी ले ली थी इसने, उसे डरा देता तुम दोनों को, मानो तो गिरती थी उस दिन, मानो या टेबल उल्टी होती थी, यहाँ गिरी पड़ी थी मानो, ये वहां बैठा था। अब हसन की बारी, आज हसन गले लगाएगा इसको, हसन को टास्क मिल रहा है। और वो जो खड़ी है ना पिंकी, पिंकी को बुलाओ, बड़े प्यार कर, आ जा आ जा आ जा, दोस्ती कर लिया आपने, होई 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 होई, बस कर जा लाड़ियां लाड़ियां, बच बच बेटे बच, हम बड़ा मिस करेंगे यार, है ना, आपको बड़ा मिस करेंगे। होई होई खेलता तो देखो उसे, ऐसा ऐसा बड़ा हो जाएगा, कल चला जाएगा बच्चों, तो मिल लो इसको सारे, इतना थोड़ी ना इसकी, खेलता कैसे, बहुत ज़्यादा शरारती बिल्ला, वो शरारती है। अच्छा छोटे बच्चे जब होते हैं बड़े शरारती होते हैं, बड़े शरारती होते हैं, और गुंडे गुंडे, ओए उसको, उसके साथ लड़ाई करो, पीछे आ रहा समझ गोरी गोरी, वो सामने खड़े येलो सूट में, उसको पकड़, सारे चुप गए कमरों में, कुछ देखो लड़ता, वो देख माना गुदगुदी हो रही है उसे, माना इल्ला बाबा गुस्सा ना आ जाए, उसको ज्यादा गुदगुदी ना करो, अब छेड़ रहा है, अब छेड़ रहा है, चल चल अब छेड़ रहा है, हेलो दो देखो गुस्सा आ रहा है, हाथों से पकड़ लिया पाँव को, अब पहले तुम चिपके हुए थे, अब तुम्हें चिपक रहा है, पकड़ो ना, अब खेलो, यहाँ बच्चे लोग सब एंजॉय कर रहे हैं, बेबी लाइन से सब डरे हुए हैं, बट मंसूर साहब बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सिम्बा फुल मस्ती में है, देखो कितना कितना खुश हो रहा है, इनको खुद से डर लग रहा है। चलो भाई अब घर चलते हैं, आप आ रहे हो फिर, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं बाहर, ओए आराम से, ये सारे डॉग से डर गए, कुछ नहीं है बेटे कुछ ना, नहीं मैक्स और बाल देखो तरह सारे भाग गए डर के, इसका इतना बड़ा साइज लग रहा है और हमारे वाले का इससे डबल है, हाँ गब्बर का, जब गब्बर अभी छोटा बच्चा है और अभी से इतना बड़ा बड़ा है, सोचो हाँ आज आपसे बहुत खेला सिम्बा, है ना, हाँ ज्यादा खेल रहा था, आपके साथ बहुत खेल रहा था, आपको खुद छेड़ रहा था कि मेरे साथ खेले, बहुत क्यूट है। और यहाँ पर मलाइका सिखा रही है, हाँ ज़ैनब सीख रही है, ज़ैनब को आते हैं वैसे, है ना, चिकन को कीमा बनाना है इस तरह, चिकन को मैश करके, मैश नहीं उस आटे को रोल करके, अच्छा ओए क्या बात है भाई, इतनी अच्छी कुकिंग क्लास तो मुझे भी कोई देता, माशाल्लाह ये पेट देखे कितना प्यारा पेट है ये, माशाल्लाह ना पढ़ो, क्यों ये जाएगा ब्लॉग, अब तो जरूर जाएगा, मुझे रोकने वाला कौन है ये, अब तो गया बेटा, बेटा अब तो ब्लॉग में गया, ये पेट ये सब पढ़े माशाल्लाह, है ही नहीं, ये चंगा भला, इतना बड़ा तो
दो डंपलिंग से क्या होगा, दो डंपलिंग क्या करेंगे, डाइटिंग है ना, इसलिए दो खाऊंगा मैं। अच्छा उसके बाद तीन रोटी। आप कढ़ाई खाओ, कढ़ाई पकी हुई है मजेदार, आपकी तोन कढ़ाई से भरेगी, डंपलिंग कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो ये देखे जी ज़ैनब का टैलेंट देखे, मैंने कहा मैं दुनिया को दिखाऊं कि मेरी भांजी कोई आम लड़की नहीं ये डंपलिंग भी बना सकती है। ये देखे सर, ये देखे, ये बच्ची बड़ी टैलेंटेड है। अरे वाह, कांटे के साथ डिजाइन बन रहे हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। और इधर बैठी है एक और मास्टर शेफ मलाइका ब्लोच, जिसे पूरी दुनिया जानती है कि कमाल के खाने बनाती है ये लड़की। छा गई है यूट्यूब की तहास में ऐसी शेफ पैदा नहीं होनी नाजरीन। हाँ थोड़ा ज्यादा हो गया सॉरी कुछ ज्यादा हो गया, मैं अपनी मोहब्बत में माँ हूँ ना, माँ का प्यार निकल रहा था। और आज से ज़ैनब भी, आज से ज़ैनब भी मतलब कारीगर हो गई डंपलिंग बनाने में, है ना ज़ैनब, आप खुद से भी बना सकेगी। जबरदस्त, चलो जल्दी बनाओ, भूख लग रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मलाइका और चिली ऑयल बना लिया, मैं बनाऊं? जब ये फ्राई करने लगी ना उसका ऑयल जब गरम करूंगी। ओह यस, सियानी है मेरी दी, समझदार लड़की है, चले जबरदस्त। हाय अल्लाह मैं सदकी में कुर्बान, ये बात सबसे अच्छी की है दी किसकी हूँ मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी शौकी माया किसी की, किसी की है इतनी शोखी माँ, जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा, इतनी प्यार करने वाली माँ, इतनी प्यारी प्यारी है। ये सिर्फ कैमरे के ना आ गया, आपको पता नहीं है मलाइका बताएंगी, सच है कि झूठ है, नहीं बस मेरा बेटा कभी नहीं कहेगा, मुझको पता है मम्मा, ये भी सिर्फ कैमरे में कहने वाली है, मुझको पता है मम्मा बहुत अच्छी है ये लड़की जो खड़ी है ना, आग लगा रही है नाज़रीन, ये जो बालों के अंदर मुंह छुपा के खड़ी है, आग लगा रही है, ये आग हम नहीं लगा देंगे। कमेंट आएंगे, बाल हाँ। बांध के खड़े होते हैं। हाँ ये इतना फैशनेबल करके कौन किचन में आता है, कैचर दो इस लड़की को, कैचर लगाओ, अच्छी बात है ना, बाल बांधने ही चाहिए भाई। बाल जरा बात सॉन्ग सुनाओगी मेरे ब्लॉग में जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं आपके फॉलोअर्स ना गिर जाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ, मैं चाहती हूँ ना सब्सक्राइबर गिर जाए, मैं चाहती हूँ थोड़े से बाल ही लड़की पीछे कर ले तो क्या क्या जाएगा। ये लड़की कैसे, ऐसा लग रहा है चुड़ैल खड़ी हो साइड से, कसम से ऐसा लग रहा है मलाइका किसी जिन के साथ कुकिंग कर रही है। अब पता चला ये शक्ल है, अब शक्ल निकाली, शुक्र है अच्छी शेप्स बन रही है, इसे कहते हैं मलाइका की इजाद। और फाइनली यहाँ पर आ गए थे डंपलिंग्स तैयार होकर, साथ मजे का उसका सॉस, सबको अच्छे लगे थे, क्योंकि मलाइका की जो ये दोस्त थी ज़ैनब, कजन उसकी सिस्टर, बहुत प्यारा, दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है इनकी, तो बस वो मिलके बनाए इन्होंने, सब ने इन्जॉय किए, साथ साथ इन्होंने लगा ली थी हॉरर मूवी, और यहाँ पर कर दिया था अंधेरा, साथ साथ खाना इन्जॉय हो रहा था, साथ साथ मूवी देखी जा रही थी, बच्चे डर भी रहे थे, अंधेरा किया हुआ था, बट ये डरते भी हैं और इन्होंने मूवी भी ज़रूर देखनी होती है, पता नहीं इनको क्या होता है, जब भी ये इकट्ठे होते हैं ना तो बस ये कहते हैं कि हॉरर मूवी देखनी है। तो बस यहाँ पर बहुत मज़े के डंपलिंग बने थे, बहुत टेस्टी बने थे, सबको इतने पसंद आए और बच्चों ने खूब इंजॉय किया। मेरी सिस्टर रात को हमारे पास रुक गई थी, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा मतलब खुश थे बच्चे, क्योंकि वीकेंड था और वीकेंड पे मज़ा आता है जब आप गेट टुगेदर करते हैं थोड़ी सी अपने कज़न्स के साथ, बहन भाइयों के साथ, तो बहुत मज़ा आया था सबको। और इसके साथ ही करते हैं हम अपनी आज की वीडियो का एंड, मैंने किया अपना व्लॉग एडिट। कल आई थी मेरी सिस्टर रात को हमारे पास, पूरी रात उन्होंने हमारे साथ गुजारी, मतलब सुबह चले गए थे वो, क्योंकि साथ ही रहती हैं, बिल्कुल हमारे घर के पास ही हैं, तो बच्चे थे सारे वीकेंड पे एंजॉय करने के लिए आए थे, चले मैंने कहा गपशप हो गई, बड़ा मज़ा आया। तो आपको आई होप हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का एंड करेंगे, क्योंकि मैंने ना इंट्रो रिकॉर्ड करती हूँ ना मैं व्लॉग का एंड कर सकती हूँ, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, तो मैंने कहा मलाइका को आ जाओ जल्दी से ना अपने व्लॉग का एंड भी कर लेते हैं, सर्दी अच्छी खासी हो गई है, आज ठंड बहुत है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। और मलाइका कुछ कहेंगी आप? अल्लाह हाफिज। और मलाइका ने फिर से डंपलिंग बनाए थे, सबको इतने पसंद आए थे खाना, सबको बहुत अच्छा लगा था रात को, तो व्लॉग में थोड़ा सा मजे का है। और हमारा जो बेबी लाइन था ना जो हमने आपको दोबारा दिखाया है इस वीडियो में, वो चला गया यहाँ से, क्योंकि वो लोग घर छोड़कर चले गए, उनके दोस्त थे वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ से अब उसको वहां ले गए, पता नहीं अब कभी हम दोबारा मिलेंगे कि नहीं, तो रात को हम बच्चों को वहां पर दोबारा लेके गए थे, बड़ा मजा आया था, बड़ा आखिरी मुलाकात।
हाँ तो बड़ा क्यूट सा था, अल्लाह करे आपको अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।